दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। गुलाम नबी आजाद के बाद कांग्रेस को एक बार फिर लगा तगड़ा झटका। उप मुख्यमंत्री समेत 64 नेताओं ने दे दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने हाथ का साथ छोड़ दिया था। अब कांग्रेस को एक और बड़ा झटका देते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित जम्मू कश्मीर के 64 नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पार्टी से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। ताराचंद के अलावा पूर्व मंत्री माजिदवानी, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले इन सभी 64 नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाले समूह में शामिल होने का फैसला किया है। इन सभी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक संयुक्त त्याग पत्र सौंप दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ताराचंद समेत कई बड़े नेताओं के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर गुलाम नबी आजाद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सभी ने मेरे लिए इस्तीफा दिया है, सभी मेरे साथ हैं, कांग्रेस को अभी और कई बड़े झटके लगेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर के 64 नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। और बड़ी खबर, एक साथ 64 नेताओं के इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी में मचा बवाल। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में उथल पुथल मची है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद के बाद आज घाटी में 64 कांग्रेस नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इन इस्तीफों के बाद कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है और पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। तो वहीं गुलाम नबी आजाद ने तो जैसे कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अभी और बड़े झटके लगना बाकी है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी उनके आरोपों का जवाब दे रही है। ताजा मामले में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी पार्टी के लिए ठीक नहीं है, वो केवल धरना देने के लिए बेहतर है। तो कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को विश्वासघाती करार दिया है। जयराम रमेश ने बीते दिन उन पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। आपको बता दें कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की हालत पस्त हो गई है। यहां एक साथ 64 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। और बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक बड़ी रैली की तैयारी, 90 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने फेसबुक पेज पर कहा कि मुझे खुशी है कि लोग जम्मू कश्मीर के हित में हमारे साथ आ रहे हैं, मैं उन लोगों को निराश नहीं करूंगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध सभी मिलकर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे। हमने बहुत कुछ झेल लिया है, अब समय है कि हम लोग मिलकर आगे चलें और नया जम्मू कश्मीर बनाएं। 74 साल के गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और वो 4 सितंबर से अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने वाले हैं। वो जम्मू में 4 सितंबर को बड़ी रैली करने वाले हैं। इसके बाद 12 सितंबर को वो श्रीनगर में रैली करेंगे। यही नहीं, वो 7 से 10 सितंबर के दौरान डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह जिलों का दौरा करेंगे। यही नहीं, गुलाम नबी आजाद के भरोसेमंद लोगों का कहना है कि हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे ये साफ हो गया है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी कांग्रेस को आजाद के एग्जिट का खामियाजा उठाना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, नई शराब नीति पर जमकर भड़के अन्ना हजारे। केजरीवाल पर बोला जबरदस्त हमला, कहा आप भी सत्ता के नशे में डूब गए। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की चर्चित नई शराब नीति को लेकर देश के अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र लिखकर नसीहत दी है। पत्र में अन्ना हजारे ने केजरीवाल को उल्हाना देते हुए कहा कि आप भी सत्ता के नशे में डूब गए। एक बड़े आंदोलन से जन्मी एक पार्टी के लिए ये शोभा नहीं देता है। अन्ना हजारे ने केजरीवाल से कहा कि आपने स्वराज नाम की किताब में कितनी आदर्श बातें लिखी थी, आपसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन लगता है कि राजनीति में जाने और मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं। जिस प्रकार शराब का नशा होता है, उसी प्रकार सत्ता का भी नशा होता है। आप भी ऐसी सत्ता के नशे में डूब गए हो, ऐसा लग रहा है। अन्ना हजारे ने पत्र में लिखा कि उन्हें उम्मीद थी कि दिल्ली में भी महाराष्ट्र जैसी शराब नीति बनेगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लोग सत्ता के लिए पैसे और पैसे के लिए सत्ता के घेरे में फंस गए हैं। ये उस पार्टी के अनुरूप
रूप नहीं है, जो एक बड़े आंदोलन से पैदा हुई है। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े आंदोलन का शंखनाद कर चुके अन्ना हजारे ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। अन्ना हजारे ने लिखा कि राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं। ऐसा लगता है दिल्ली में आपकी सरकार ने ऐसी शराब नीति बनाई जिससे शराब की बिक्री और शराब पीने को बढ़ावा मिला है। गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा रही हैं, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। ये जनता के हित में नहीं है। आपको बता दें कि अन्ना हजारे ने केजरीवाल से कहा कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को देखकर ऐसा पता चलता है कि एक ऐतिहासिक आंदोलन का नुकसान करके जो पार्टी बनी वो भी बाकी दलों के रास्ते पर ही चलने लगी है। ये बहुत ही दुख की बात है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार नई आबकारी या फिर शराब नीति को लेकर आरोपों से घिरी हुई है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा का आरोप है कि इस नीति के जरिए आम आदमी पार्टी के करीबियों को फायदा पहुंचाया गया है। मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई ने छापा भी मारा है, उनसे पूछताछ भी की गई है, जांच भी चल रही है। मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को शराब घोटाले में आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि अब अन्ना हजारे ने नई शराब नीति पर सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को लताड़ा लगाई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आप भी सत्ता के नशे में डूब गए हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा बनी सियासत का अखाड़ा, देर रात जारी रहा बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। आपको बता दें कि दिल्ली में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार और विपक्षी दल भाजपा के बीच में सियासी संग्राम और तेज हो गया है। सड़क से सदन तक पहुंची ये लड़ाई सोमवार को धरने तक पहुंच गई। सत्ता पक्ष व विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मामले में एक दूसरे पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर विधानसभा परिसर को धरने का अखाड़ा बना दिया। दोनों पक्षों के विधायकों ने रात में धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी विधायकों ने देशभक्ति गीतों के जरिए एक दूसरे में जोश भरा। धरने की ये सियासत सोमवार को विधानसभा के अंदर शुरू हुई। पहले विपक्ष के विधायकों ने वेल में पहुंचकर सरकार के खिलाफ धरना देने की कोशिश की। इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक भी उपराज्यपाल पर एक घोटाले का आरोप लगाकर सदन में धरना देने लगे। इस हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को 4 बार स्थगित करना पड़ा। फिर शाम को दोनों पार्टियों के विधायक विधानसभा परिसर में अलग अलग स्थानों पर धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी विधायकों ने LG के इस्तीफे की मांग को लेकर महात्मा गांधी की मूर्ति और भाजपा ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा के नीचे बैठकर पूरी रात जमकर प्रदर्शन किया। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे शशि थरूर जल्द लेंगे बड़ा फैसला। यह आपको बता दें कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा होने के साथ ही सबकी नजरें अब G23 नेताओं पर टिकी हैं। सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या अध्यक्ष पद पर कांग्रेस में तीसरी बार मुकाबला होगा। गौरतलब है कि पिछले 3 दशक में 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है। माना जा रहा है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं होते हैं तो G23 का कोई भी नेता इस पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। खबरों के मुताबिक शशि थरूर, मनीष तिवारी या फिर पृथ्वीराज चौहान मैदान में कूद सकते हैं। इसी बीच सूत्रों ने जानकारी दी है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने इस पर अंतिम फैसला नहीं किया है। सूत्रों ने बताया कि शशि थरूर ने अभी अपना मन नहीं बनाया है, लेकिन वो जल्द ही इस पर निर्णय ले सकते हैं। आपका क्या मानना है, शशि थरूर, मनीष तिवारी या फिर पृथ्वीराज चौहान, तीनों में से किसको अध्यक्ष बनाया जाए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, शराब घोटाले में सीबीआई की जांच हो गई तेज, घर के बाद मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की भी तलाशी। आपको बता दें कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 स्थित पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर की सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। जांच दिल्ली के आबकारी नीति मामले के संबंध में हो रही है। आपको बता दें कि शराब नीति को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज अन्ना हजारे ने भी शराब नीति को लेकर केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने तो साफ कर दिया है कि केजरीवाल आप भी भ्रष्टाचार में डूबे नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी की आ गई आफत, ईडी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भेजा समन, 2 सितंबर को होगी पेशी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले की जांच की आंच टीएमसी नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक पहुंचती दिख रही है। इस मामले को लेकर ईडी ने अभिषेक बनर्जी को समन भेज दिया है और 2 सितंबर को ईडी के कोलकाता वाले ऑफिस में पेश होने के लिए कहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब ईडी ने उन्हें समन भेजा हो। इससे पहले भी ईडी उन्हें कई
बार तलब कर चुकी है। यही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से भी पूछताछ की थी। पता हो कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को छात्र परिषद की सभा में कहा था कि इस सभा की कामयाबी के बाद उनसे पूछताछ या फिर उनके खिलाफ छापेमारी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं डरता नहीं हूँ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की एक स्पेशल टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंच रही है। यही स्पेशल टीम अभिषेक बनर्जी से इस मामले पर पूछताछ करेगी। इससे पहले अभिषेक बनर्जी के साथ में ईडी की टीम ने बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद 8 घंटे तक पूछताछ की थी। और बड़ी खबर, विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे शरद पवार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि गैर बीजेपी दलों को एक साथ लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। वो अपनी उम्र के कारण कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी का मकसद केवल छोटे दलों को सत्ता से बाहर करना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दलों को एक साथ लाने और बीजेपी के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनमत पैदा करने के लिए गैर बीजेपी दलों को एक साथ लाने में मदद करूंगा। ठाणे में पत्रकारों से बातचीत में शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने 2014 के बाद से अच्छे दिन लाने, इंटरनेट के जरिए गांव को जोड़ने और प्रत्येक घर को शौचालय, पानी तथा बिजली उपलब्ध कराने समेत अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 के आम चुनाव के समय से कई वादे किए, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया। प्रधानमंत्री ने देश के हर एक नागरिक को मकान देने का वादा किया था, लेकिन सरकार उसे पूरा नहीं कर पाई। अब 2024 तक $5,000 की अर्थव्यवस्था बनाने का नया वादा किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी की आलोचना करते हुए दावा किया है कि वो सत्ता में आने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने विरोधियों के खिलाफ जो कर रही है वो कुछ नहीं बल्कि संसदीय लोकतंत्र पर एक बड़ा हमला है, जो गंभीर चिंता का विषय है। सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों में वो विधायकों को तोड़ने और सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है। और बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला जबरदस्त हमला, कांग्रेस पार्टी को बताया वंशवादी पार्टी। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा से सीधे गुवाहाटी पहुंचे। गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जेपी नड्डा का मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने शाम को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जो लोग 20 से 40 साल तक कांग्रेस के साथ थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी, क्योंकि वे अब ना तो राष्ट्रीय हैं और ना ही क्षेत्रीय हैं। अब तो बस ये वंशवाद और भाई बहन की पार्टी है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा यही नहीं रुके, इसके आगे उन्होंने कहा कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस क्यों छोटी होती जा रही है, ये कमजोर क्यों हो रही है, क्योंकि उन्होंने स्थानीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ नहीं जोड़ा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।